हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जन्माष्टमी को आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी, तो अभी हम लोग पूजा वूजा कर लिए हैं और अभी देखिए मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए पालना अपने हाथों से। इस बार मुझे अपने हाथों से पालना बनाने की बहुत इच्छा थी, जिसकी मैं अपने हाथों से बना रही थी। देखिए इतना मेरा बन गया है और अभी मैं इसको डेकोरेट करूंगी, अच्छे से बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा पालना कि कैसे मैंने बनाया। और ये मैं किसमें से बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। अभी हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए सजाने की। सभी लोग बैलून फुला रहे हैं और सभी लोग डेकोरेशन कर रहे हैं। सब लोग से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, सच में हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब सभी बच्चे हमारे साथ भिड़े रहे सभी तैयारियाँ कराने में, और सब कोई बड़े ही प्यार से एक साथ सभी हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का। अभी जल्दी जल्दी हमने देखिए बैलून जो था उसको हमने फुलाया। तो अभी सब लोग हम लोग तैयार हो गए हैं। देखिए कैसे तैयार हुए, ये मैं राधा बनी हूँ, ये कृष्णा और ये गोपियाँ हैं। गोपियों को दिखा दो, और ये मेरे बेन, ये मेरी बेजर बार बार गिर जाती है, ये देखिए ऐसे फंसा लेती हूँ, ऐसे गिर जाती है। तो देखिए मैंने कैसे डेकोरेशन किया आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारे कृष्ण भगवान का झूला मैंने बनाया है, इसमें झुलाएंगे हम अपने कान्हा जी को, और ये सिंहासन है हमारे कान्हा जी का। तो अभी हम पूजा करने वाले हैं ये सारा भोग लगाने के लिए। और ये देखिए पूरा डेकोरेशन, तो अभी हम लोग सब लोग करेंगे पूजा। और पूजा बस जन्म होने ही वाला है, सब बहुत देर से तैयार हो रहे थे पर अभी तक तैयार ही हो पाए थे, तो तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। अभी भगवान जी का जन्म होने वाला है, तो भगवान जी का जन्म कराएंगे, अभी आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद देखिए हमारे लड्डू गोपाल के जन्म होने का समय आ ही गया। और पता है एक बार मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग ना एक भी मिनट के लिए नहीं बैठे, जब से तैयारियां कर रहे हैं करते करते भी हमारा टाइम नहीं पूछ रहा था। दूसरे साल तो हम लोग जब मतलब इंतज़ार करते थे कि अब 12 बजेगा, अब 12 बजेगा, अब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, और इस बार हम सोच रहे थोड़ा टाइम बढ़ जाए, थोड़ा और टाइम बढ़ जाए, हम लोग को टाइम मिल जाए कुछ करने के लिए, तैयारियां करने के लिए। हम लोग सजते वजते और सभी तैयारियां करते करते ही 12 बज गए थे और हम लोग को टाइम भी बहुत कम पड़ा। तो सबसे पहले हमने भगवान कृष्ण भगवान का देखिए उनका जन्म किया, खीरे में पहले हमने रख दिया था, खीरे के अंदर कहते हैं भगवान कृष्ण का उसमें डाल दिया जाता है, फिर 12 बजे निकाला जाता है, तो ऐसे जन्म किया जाता है उनका। फिर हमने उनके लिए सभी जो भी पोशाक थे, उनके वस्त्र और जो भी सजाने का सामान था वो सब हमने मंगाया था। सबसे पहले हमने उन्हें पंचामृत से स्नान करा दिया, दही से, दूध से, पानी से, गंगा जल से, शहद से। फिर इसके बाद जो भी हमारे पास कपड़े थे, उनके लिए वस्त्र थे, तो उन्हें हमने उनको बहुत ही प्यार से अर्पित किया, ताकि हमारे कृष्ण भगवान जी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। वैसे इतने वो तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप महंगे महंगे वस्त्र वो करो तभी कृष्ण भगवान खुश होते हैं, प्यार से उनको जो भी पहना दिया जाए, जितने प्यार से श्रद्धा से वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितना था हमने उतना किया, और हमें बहुत खुशी है कि हम अपने कृष्ण भगवान का जन्म कुछ अच्छे तरीके से मना पाए हैं इसलिए। और कृष्ण भगवान की दया रही तो हर बार अच्छे तरीके से ही कृष्ण भगवान का जन्म मनाया जाएगा। तो इस बार कुछ स्पेशल ऐसा था कि अगले साल हम लोग राधा कृष्ण नहीं बनते थे, इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम भी राधा कृष्ण बने, कुछ स्पेशल तरीके से भगवान कृष्ण का जन्म कराए। तो देखिए मैं राधा बनी थी और मेरी मामा की लड़की यानी भुल्लर बनी थी कान्हा जी, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सच में मुझे तो लग रहा था कि सच में ये कान्हा जी है, उसके ऊपर इतना ये रोल इतना सूट कर रहा था कान्हा जी का, मतलब एक भी लग ही नहीं रहा था कि कान्हा जी नहीं, और मैं राधा लग रही थी नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोग को पूजा करते ऐसे। तो सभी लोग हम लोगों ने मिल के पूजा किया, और देखिए माँ जी भी पूजा कर रही है यहाँ पे,
वैसे ये रोल मैं पहले मानसी को दे रही थी कान्हा जी बनने का, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं कान्हा जी नहीं बनूंगी। तब फिर हमने भुल्लन को ये रोल दिया और उसने वो कान्हा जी बनने के लिए इतना मतलब खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बताऊँ। कह रहे थे मेरी पूजा होगी, ये लोग मेरी पूजा करेंगे, मतलब उसके अंदर इतना बनने के लिए इतना मतलब खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बताऊँ। कह रहे थे मेरी पूजा होगी, ये लोग मेरी पूजा करेंगे, मतलब उसके अंदर इतना कान्हा जी की पूजा हो गई है और हम खा रहे हैं खाना। तो आज बना है छोला की सब्जी, पनीर की सब्जी और पूड़िया और सेवइयाँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग मीठा नहीं खा रहे, क्योंकि दिन भर मीठा खाते खाते पेट भर गया था, फिर मीठा नहीं खाए। और देखिए ये नथ है, भगवान मुझे इतना परेशान कर डाली थी। मैं सोच रही थी जो लोग एक्टर होते हैं और रोल करते हैं वो लोग कैसे शूट करते होंगे, कितनी प्रॉब्लम होती होगी। सच में मुझे अब अंदाज़ा लग रहा है इनका कि कैसे वो लोग शूट करते होंगे। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सच में ये मतलब रोल वोल करना भी बहुत कठिन चीज़ है, जो लोग करते हैं उनके मैं मतलब सोच सकती हूँ कि कितने मेहनत से वो लोग कितने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जो कि मैं अभी इस टाइम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मेरे लड्डू गोपाल देखिए अपने पालने में सोरे। तो कैसा पालना, ये पालना मैंने अपने हाथों से बनाया था लड्डू गोपाल के लिए। और सिंहासन, अभी हम सिंहासन में अपने कृष्ण भगवान को सुला देंगे। तो देखिए मैं सोची अपने कान्हा जी के साथ वीडियो बना लेते लड्डू गोपाल जी यहाँ अपने सिंहासन में सो रहे हैं। और पूजा हम लोग की हो गई है, सब लोगों ने खाना खा लिया है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। हम लोग आए थे ब्लॉग में सब लोग, मैं बनी थी कान्हा जी, ये कान्हा जी बनी थी और मैं बनी थी राधा। और गोपियों भी आ जा। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और बहुत सारा डांस किए हैं, और डांस करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। तो मेकअप वेकअप हम लोग का सब उतर गया है अभी। ये है गोपी और एक गोपी सो गई, उसको बहुत जल्दी दिखाना खाई, डांस की और फोन चलाई सो गई, मतलब स्टोरी लगा ही दी है अपनी। तो अभी एक गोपी सो गई है, हम लोग भी जा रहे हैं सोने क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। और देखिए आंखें भी लाल लाल हो गई हैं हम लोग की, जल रही हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे सोने। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग कैसे लग रहे थे और सबसे प्यारा कौन लग रहा था, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तो बाय, राधे राधे सभी को, सबको शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण सभी को।